तो सबसे पहली चीज चल रिटर्न विजन वैल्यूज एंड कोर पर्पस। एक बात बताइए, कल रात को क्रिकेट मैच कितने लोगों ने देखा? देखा? अच्छा, बल्लेबाज आउट कैसे होता है? नहीं, जैसे बोलते अपन बोल्ड हो गया तो आउट कैसे होता है? अरे मैं तो क्वेश्चन क्लियर है, बोल्ड हो गया बोलते हैं तो आउट कैसे होता है? बॉल कहां जाके पड़ती है? तो अच्छा, कौन कौन सी बॉल ऐसी होती है जिसको फेंकने के बाद बॉलर को फिर से बॉल फेंकना पड़ता है? कौन सी नो बॉल? कौन सी नो बॉल बोलो ना भाई, कौन सी नो बॉल? कौन किसको किसको नो बॉल बोलते हैं? सिर के ऊपर हो गई नो बॉल, बॉलर ने पैर बाहर निकाला फेंकते वक्त, नो बॉल। क्रीज से बाहर नो बॉल नहीं होती, क्रीज से बाहर कौन सी होती है? अब सोचो नो बॉल वाइड बॉल का कोई रूल ही ना हो और हो रहा हूं मैच, मैं जाऊंगा उधर बैट्समैन ऐसा करके जाऊंगा और बॉल इधर फेंक दूंगा, जा बेटा कर बैटिंग, कर ले बैटिंग, ले और पांच सचिन तेंदुलकर को लाइन से खड़ा कर लो एक के बाद एक, लेकिन मैं बॉल फेंकूंगा ही नहीं उधर क्योंकि उसके कोई नियम। आप 10 माराडोना, नेमार, पेले, रोनाल्डिनो, रोनाल्डो जितने हैं सबको लाके खड़ा कर दो और गोल पोस्ट मत बनाओ। उनको बोले मारते रहे, थोड़े दिन बाद देर बाद उधर पेले माराडोना गपिया रहे होंगे, उधर रोनाल्डो बैठ के ऐसा बैटर होगा, किधर मारे यार, कोई भी कहीं भी मार देता है। मैच के परिणाम क्यों निकलते हैं? क्योंकि उनमें नियम होते हैं, नियम होते हैं। ठीक उसी तरीके से बिजनेस को चलाने के कुछ मूल सिद्धांत, कुछ मूल नियम होते हैं। किसी भी कॉरपोरेट की वेबसाइट, किसी भी बड़ी इंडस्ट्री की वेबसाइट का पहला पन्ना निकालना, पहला पन्ना क्या होगा? मिशन, विजन, कोर पर्पस, कोर वैल्यूज। आज आपका टर्नओवर 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 50 करोड़, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? एक एक और जीरो लगाना है कि नहीं लगाना है? लगाना है। तो लगाना है तो पहले हमको बड़ों के जैसा बर्ताव करना पड़ेगा। यदि 100 करोड़ पे जाना है और आज 25 पे बैठे हैं तो हमको 100 करोड़ वाले के चश्मे से दुनिया को देखना पड़ेगा, तब जाके हम 100 करोड़ वाले। 100 करोड़ को यदि 1000 करोड़ जाना है तो 100 करोड़ का चश्मा लगा के वो 1000 करोड़ तक नहीं जा सकता। उसको 1000 करोड़ वाले की आदतें, उसके काम करने के तौर तरीके, उसके सिस्टम्स, उसकी पॉलिसीज सब देखनी पड़ेगी और अपनी हैसियत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके अडॉप्ट करते रहना पड़ेगा, भले उसके लिए अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा छोड़ के बाहर निकलना पड़े। और याद रखिए, बड़ा व्यापारी सिर्फ वो बनता है जो सोचता ज्यादा है, प्लान ज्यादा करता है, ना कि वो जो दिन भर माइक्रो मैनेजमेंट में उलझा रहता है। बड़ा आदमी वो बनता है जो स्ट्रेटजी पे ज्यादा वक्त बिताता है, डेलीगेशन पे ज्यादा वक्त बिताता है, ना ये सिद्ध करने में कि तेरे से अच्छा काम तो मैं करके दिखाता हूं, इधर आ।